गाइस, सुबह के समय में जो कल चलाया जाता है तो कहा जाता है कि पहला हंडिल जो पानी चलाया जाए वह लक्ष्मी माता का होता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि पहला हंडिल का पानी लक्ष्मी माता का होता है? वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे मालूम चलेगा। गाइज, मध्य अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें कितने प्रकार के लकड़ियाँ, यानी कि एक वन में कितने प्रकार के, जितने वन है उसमें कितने प्रकार के लकड़ियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं? 8,000 प्रकार के वहाँ पर पेड़ पौधे हैं, जो कि बाकी देशों को तुलना में सबसे, देश महाद्वीप के तुलना में सबसे अधिक मध्य अफ्रीका में ही लकड़ियाँ माना जाता है। मेरी वीडियो अच्छा लगा गाइज, आप लोग सबसे बड़े इमारत का नाम सुने होंगे बुर्ज खलीफा। पिछली वीडियो में बताए थे कि बुर्ज खलीफा के बारे में, लेकिन बुर्ज खलीफा कितने फीट का है, सबसे ऊंचाई उनका कितना फीट है, जो कि सबसे दुनिया का रिकॉर्ड है बुर्ज खलीफा सबसे बड़े इमारत में, वह कितने फीट का है? वह 828 मीटर, यानी कि 828 मीटर है। फीट में से कन्वर्ट किया जा रहा है तो 2,717 फीट हुआ बुर्ज खलीफा का ऊंचाई। किस देश ने सबसे पहले 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया? आप लोग कहेंगे भारत। नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इगपट, इगपट एक ऐसा देश है जो पहली बार 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया, उसके बाद और देशों ने प्रतिबंध लगाना आरंभ किया। मेरे चैनल को, जापान का पुराना नाम क्या है? आप लोग कहेंगे कोई नाम होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लेकिन नहीं, एक ऐसा नाम है आप सुनकर चौंक जाएंगे। जापान का पुराना नाम निप्पन, यानी कि पुराना नाम उसका है निप्पन। आप एक बार गूगल पर जाकर जरूर सर्च करें, मेरी वीडियो अच्छा। दुनिया के सबसे बदसूरत जानवर कौन सा है? मछली है। कौन सा मछली है? मैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उस मछली का नाम है ब्लू फिश। ब्लू फिश एक ऐसा मछली है दुनिया के सबसे बदसूरत मछलियों में से कहा जाता है। ब्लू फिश। सबसे सुरक्षित जगह कौन सा है, जहां पर न भूकंप आए, न पानी आए, न दहाड़ आए, न कोई आंधी तूफान आए? मेरे वीडियो अच्छा लगेगा चैनल का सब्सक्राइब कर। जी हाँ, एक ऐसा देश है आइसलैंड। आइसलैंड एक ऐसा देश है जहां पर कोई खतरा नहीं है, सबसे दुनिया का सुरक्षित। किस देश के चारों बगल देश बसा हुआ है, यानी कि एक देश के चारों ओर पड़ोसी देश सबसे अधिक है? चीन एक ऐसा देश है। मेरी वीडियो को अच्छा लगेगा तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चीन एक ऐसा देश है जहां पर सबसे पड़ोसी देश है, उसके आसपास में है। भारत में सबसे पहले अंग्रेज कब आया था? 20 मई। मेरे वीडियो अच्छा लगता है चैनल सब्सक्राइब कर दो। 20 मई 1498 को भारत में अंग्रेज आया था, और वह आने के बाद हमारे देशों पर बहुत अधिक दिन तक वह शासन किया। शिक्षा में सबसे प्रथम स्थान किस देश का आता है? किस देश का सबसे प्रथम स्थान शिक्षा में आता है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कनाडा एक ऐसा देश है जो शिक्षा में प्रथम स्थान पाया है, और वह प्रथम रहता भी हमेशा। अमेरिका, लंदन ऐसा नहीं है, कनाडा एक ऐसा देश है जो कि शिक्षा में प्रथम स्थान। दुनिया के सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? कौन सा ऐसा पक्षी है जो कि सबसे छोटा है? मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। जुनजुन सिटी एक ऐसा पक्षी है जो कि सबसे छोटा उसे माना जाता है, और सबसे छोटा है भी। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। गाइस, सुबह के समय में कहा जाता है कि कलों का पानी लक्ष्मी माता का होता है, यानी कि कल का पानी होता है उसे 4 से 5 हंडिल चला देने पर लक्ष्मी जी का पानी चल जाता है, उसके बाद पानी पिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि बहुत सारे बैक्टीरिया, जो जीवाणु कीटाणु विषाणु होते हैं, वह पानी नहीं चलने के, यानी कि जब रात हो जाता है उसके बाद जो कल नहीं चलता है उसके परतों पर, यानी पानियों के परतों पर, लेयरों पर जीवाणु कीटाणु यानी कि वायरस आकर बढ़ जाते हैं, जिसके कारण कहा जाता है कि पहला पानी हंडिल चलाए तो लक्ष्मी जी का होता है, 5 हंडिल तक कम से कम चलाए, यानी कि वायरस जो होता है वहाँ दह जाए, निकल जाए, और उसके बाद पानी पिए।
इसलिए कहा जाता है। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले।